अब मैं जो पहली वाली वीडियो की कंटिन्यूशन में 6 मिनट का वीडियो और बनाऊंगा, और क्योंकि मेरे को आज किसी जगह जाना है, किसी हिंदुस्तान की स्टेट में प्लांटेशन शुरू होने जा रही है, जो फॉरेस्ट बनते हैं ख़राब हुए हैं, उनको फॉरेस्ट को और प्लांटेशन से ठीक करने के लिए मैं किसी चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करी थी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं वॉलंटियर हूँ, जो आपने पौधे लगाने हैं तो उसको मैं सुपरवाइज करूँगा। तो आज मेरे को उनसे मीटिंग है कि 5 लाख पौधा जो एक ज़िले में, एक स्टेट की ज़िले में लगना है, उसके लिए उन्होंने मेरे को एक चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर से मीटिंग के लिए बोला हुआ है कि आप इनसे मिल के, आप कोऑर्डिनेट करके। मैंने उनको बताया कि मैं, क्योंकि लोग जो सरकार में काम करते हैं वो काम पूरा नहीं करते, तो मेरे को ये अगली जनरेशन का सोचना है, क्योंकि मैं 60 साल से क्रॉस कर गया हूँ और मैं किसी ऐसी बीमारी से निकला हूँ, तो मेरा दिल कहता है कि मैं कुछ कम्युनिटी को, आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, तो इसलिए मेरे को उस चीज़ को भी सुपरवाइज करना है कि 5 लाख पौधे जो लगने हैं वो जहाँ जहाँ लगेंगे वहाँ वहाँ वीडियोज़ बनेंगी और उसको अपलोड किया जाएगा। शाम को रिपोर्टिंग करा लेनी है मैंने, और चीफ कंजर्वेटर और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर को मैं उसको लोडिंग करूँगा, और आपको भी शेयर करूँगा ये बातें, क्योंकि आप भी इस मुहिम में मेरे को सपोर्ट करो। काम तो मैं कर लूँगा, मेरे को सपोर्ट भी चाहिए लोगों को। तो फिर मैं वही उसी बात पे आता हूँ, लाइफ मेंबरशिप पे, उस पर कैसे हुआ ये सारा सिलसिला। जब मैं अरुण शर्मा जी से फ़ोन पे बात करी, ये बात 3 तारीख की है, तो मैंने 3 तारीख को अरुण शर्मा जी से पूछा, वो मेरा फ़ोन नहीं ले रहे थे, मैंने उनको 100 फ़ोन किए तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। तो अजीब सी बात हुई, तो मेरे पास एक हिंदुस्तान के बड़े क्रिकेटर बैठे आए, मेरे घर आए हुए थे, जिनका अभी भी रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट एवरेज का। तो मैंने उसको बोला, यार तू अरुण शर्मा को जरा फ़ोन मिला। उसने अरुण शर्मा का फ़ोन मिलाया, अरुण शर्मा ने ट्रू कॉलर में चेक कर लिया, उन्होंने बोला हाँ जी क्या हाल है पंडित जी, तो बात शुरू हो गई। हाँ भाई कहाँ पे हो, कहता नहीं मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, ऐसे है ऐसे है। तो मैंने उसके हाथ से फ़ोन पकड़ लिया, मैंने कहा पंडित जी हम आपके साथ, आप मैं और रजिंदर सिंह गई रणजी ट्रॉफी टीम जब खेलती थी तो हम आपस में रूम शेयर करते थे, और एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको, हम पंचायत भवन में, हमें ऊपर वाले कमरे में स्टे था अगेंस्ट हरियाणा की टीम का, ये 1980 की बात है, और जब हम रात को सोए तो उसमें एक शीशा टूटा हुआ था, और अरुण शर्मा जी सुबह उठ के मंदिर बनाया हुआ था इन्होंने रूम में, उसमें पूजा करते थे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। रजिंदर सिंह गई और मैं, हम भी शेयर करते थे इनके साथ और मत्था टेकते थे दोनों, क्योंकि रणजी ट्रॉफी मैच हम छोटे छोटे थे और क्रिकेट तो हमारा पैशन था। शीशा टूटा हुआ तो सर्दी बहुत थी, तो जब हम ग्राउंड में 16 सेक्टर स्टेडियम में आए, तो मैं, बिंद्रा साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैं बिंद्रा साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने उनके साथ एक प्रोटोकॉल 82 में भी करी थी जब मैं कस्टम ऑफिसर था, तो जब इंडिया में एशियन गेम्स हुई थी तो मैं उनके साथ प्रोटोकॉल की थी, तो मेरे को पता है कि उनमें क्या क्वालिटीज़ थी, किस लेवल का बंदा था वो, और किस तरीके से उसने ये कंट्री में क्रिकेट, टेबल टेनिस और मोहाली स्टेडियम बनाया, उसका लेवल सोचने से बहुत ऊपर है। तो हमने बताया जी ऐसे शीशा टूटा हुआ था, उन्होंने बहुत झाड़ा पंचायत भवन वालों को, और साथ ही उस दिन अनाउंस कर दिया कि आज से जो 500 रुपया मैच का मिलता था, आज से 500 रुपया डेली 3 दिन का 1500 रुपया मिलेगा। ये बहुत गजब बात थी हमारे लिए, बहुत की बहुत बढ़िया बात थी। लेटर मैं बिंद्रा साहब की तारीफ करता हूँ कि एक पटियाला में हम मैच खेले थे दिल्ली के अगेंस्ट, जिसमें हमारा लीडर अश्विनी मिन्ना था, जो हमें बहुत मोटिवेट भी करता था। उस टीम से हमारा जब दिल्ली की टीम से मैच था, उसमें बिशन सिंह बेदी कप्तान थे, और आपको नाम क्या बताऊँ, सुरेंद्र अमरनाथ, मिंदर अमरनाथ, मदन लाल, सुरेंद्र खन्ना, कोई प्लेयर ही ऐसा नहीं था जो मैच नहीं खेल रहा था। 10 वेंकट सुंदरम, ये बलराम थे जो जिन्होंने 7 विकेट लिए, बाद में जोन खेल गए। उस मैच में बिंद्रा साहब ने अनाउंस किया कि जो इस मैच में 50 रन करेगा उसको 1000 रुपये मिलेगा। तो हमें बड़ी मोटिवेशन थी कि बिंद्रा साहब ऐसे बोलते हैं तो बड़े मोटिवेट होते थे। तो उस मैच में
मेरे को मेरी किस्मत बड़ी अच्छी कि मैंने पूरी ज़बरदस्त टीम के साथ जब हिंदुस्तान के 11 टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे तो मेरे को 50 रन करने का मौका मिला और उसका चेक मेरे को PCA के रिकॉर्ड से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अमृतसर हरियाणा के मैच में इन्होंने मेरे को प्रेजेंट किया था। तो ये तो बातें बिंद्रा साहब के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो क्रिकेट के प्रेमी थे, उन्होंने ये मेंबरशिप की जो आपने आज अभी देखी है, उन्होंने ये अभियान चलाया था कि यार रणजी ट्रॉफी क्रिकेटरों को मेंबर बनाया, परंतु कुछ बोने लोग जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उनको भी निकलवा दिया और क्रिकेटरों को भी निकलवा दिया। ये आप वेरीफाई कर सकते हो किताबों में, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सब कुछ रिकॉर्ड बेस्ड है। फिर आता हूँ मैं अरुण शर्मा जी के पास, अरुण शर्मा जी को मैंने फ़ोन से पूछा, अरुण शर्मा यार तू तो हमारे साथ 40 साल से जुड़ा हुआ है, तू जब मीटिंग में था उस मीटिंग में जब तू जहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी है, तू तेरे जहन में ये बात कैसे आई कि तूने बाकियों को इग्नोर कर दिया, चलो मेरे को कर देता तो चलो मेरी तो तुम्हारे से लड़ाई है, भूपिंदर सिंह को कर देता इंडिया प्लेयर उसको भी लड़ाई है, तू भारती विज को भी कर देता इग्नोर, चलो ठीक है, पर दीपक चोपड़ा जब 75 मैच खेला, रितेंद्र सिसोदी जो इंडिया खेला है, जो रवनीत रिक्की 75 मैच खेले हुए हैं, यार आप लोगों ने कैसे सोच लिया इनको इग्नोर कर दो, पंकज धीरमानी ये तो चलो अब अलग बातें हैं, आपने एक विनीत शर्मा लड़का बहुत अच्छा जलंधर से मैं कभी मिला नहीं पर मेरे को सारे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको भी इन्होंने कभी कोचिंग का मौका नहीं दिया। कृष्ण मोहन जो पंजाब की टीम का कप्तान था किसी टाइम पे, उसको इतना जलील किया था इन पुणे लोगों ने, कमरे में बिठा के 3,000 महीना देते थे और 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी, वो कहता था हांडा साहब मैं इतना जलील हुआ हूँ इसलिए वो छोड़ के हिमाचल चले गए, उसने तो बात ही छोड़ दी, कहता जी मैंने इस तरफ देखना भी नहीं, ये जलालत की हद की हुई थी उन्होंने। मैंने शर्मा जी आपने ये कैसे सोच लिया, जब आप उस कुर्सी पे बैठे थे तो आप रिमोट से चलते रहे, मैंने कहा मरोगे आप, वो नहीं मरेगा, वो साइन नहीं करता कभी कहीं, अब क्योंकि डिसक्वालीफाइड है वो साइन नहीं करता, और 155 करोड़ के जो चेक आपने साइन करके त्यागी बसी आरपी सिंगला और आप लोगों ने जो पास किए हुए हैं, आपको पता उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको कुछ नहीं पता, आपको बिल्कुल दिमागों में दिमाग से ऊपर की बातें, वो क्या क्या होगा उसका, क्या हशर होगा जो आपने 155 करोड़ के चेक दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता था आप टेंडर नहीं निकाल सकते तो आपने जुलाई 2016 के बाद दिसंबर में टेंडर निकाला और उसको स्टेडियम को, मैं उसमें तारीफ करता हूँ राकेश राठौर की जिसने उस मीटिंग में उसको मुखालफत की थी, पर आपने नहीं सुनी उसकी, उसने इवन आज तक मेरे को ये भी पता है आपके रिकॉर्ड में उसने उस चीज़ पे साइन भी नहीं की हुई जो उस कमेटी का मेंबर था डॉक कमेटी का, पर आपको बोने लोगों को तो पैसे चाहिए थे अपने, उन्होंने तो टेंडर पास करना था कराना था, ये देखो कमीनगी की आगे ले जाओ जितना ले जाना ले जाओ अपने साथ, नोटिफिकेशन अभी कोई भगवान ने नहीं बनाया जो साथ ले जाओगे, आपके तो बच्चे भी क्या बताऊं मैं क्या बताऊं आपकी बातें, मेरे को तो अपने आप पे शर्म आनी शुरू हो जाती है कि मैं इन लोगों के साथ अटैच था कभी। एक दिन भूपिंदर सिंह सीनियर कहता है मेरे को, यार मेरे को तू हंडा ऐसी बातें बताता है तो मेरे को अपने पे घृणा आती है कि 20 साल मैं इनके बीच में रहूं, ये अभी पिछले हफ्ते की बात, कहता मेरे को अपने आप पे शर्म आनी शुरू हो जाती है कि 20 साल इन लोगों के लिए मैं सेवा करने के लिए जुड़ा रहा और मेरे को इनकी औकात ही नहीं पता चली, तूने इनकी औकात तो दिखा दी मेरे को, मैं कि मैंने नहीं दिखाई भैया, मैंने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट लोडा साहब और हम इसके साथ इन्वॉल्व थे और हमें तो हमारे साथ तो जो हुआ तो वही है, ये बात मैं बताऊंगा कभी अभी इस स्टोरी में कि मेरे को और बिशन सिंह बेदी को इन्होंने किस तमीज से जलील किया था जब हमने अमृतसर में अभियान चलाया कि हम क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगे, मैं दिल्ली से आया था और बिशन पाजी भी दिल्ली से आए थे, ये बात अब अगली रिकॉर्डिंग में बताऊंगा।